कनाली का पौधा है। तो कनाली के पौधे की लोग सब्जी भी बनाते हैं, कहते हैं कि बड़ी स्वादिष्ट हो। तो ये कनाली वाला देखना आप, ये तो गढ़वाली भाषा में कनाली बोलता और हिंदी में बिच्छू घास, जिसको आप बिच्छू घास कहते हैं। तो ये कांटे हैं इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवन सेमाल में, और मैं बात कर रहा हूँ आदित्य सेमाल, काशनगर देहरादून उत्तराखंड से। तो शाम का समय है, अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। तो इस समय लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं, जा रहे हैं हम घूमने। ठंडो पानी, बात कुछ ऐसी है कि मुझे जाना था घूमने, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो अभी सो रहे हैं। घर जाके मैं फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर आम के बगीचे में तैयारी कर रहे हैं, बहुत को वो दे रहे हैं, क्योंकि अब आम के पेड़ पर बौर आने वाली है, तो इसके लिए तैयारी चल रही है। पानी की व्यवस्था और इसके लिए दवाई भरपूर मात्रा में चाहिए, ताकि इस पर कोई कीड़ा ना लगे। आम का विशाल वृक्ष आप देख रहे हो, जो ये वाला आप पेड़ देख रहे हैं, ये अक्सर मैंने देखा है कि शादी ब्याह में लोग मंडप सजाने में और ये गेट को सजाने में इस प्रकार की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ये देखें, नाखून काट रहा मेरे उत्तराखंड में, ये काट रहा है यहाँ पर नाखून। तो आज हम बो रहे हैं राजमा और टमाटर की पौध लगा रहे हैं। क्या लगा रहे? टमाटर की पौध। तो यहाँ पर हमने कुछ टमाटर की पौध लगा चुके हैं, ये देखिए। दिन में बनेगी आज गोद की दाल।
क्या है?